आमादे शरीरे रोग प्रतिरोध क्षमता बाड़ाय टक दई। ठंडा लागा सर्दी और ज्वर प्रतिरोधे ये टक दई खूब भालो काज करे। शरीरेर क्षतिकर बैक्टीरिया के मेरे फेले एवं शरीरेर उपकारी बैक्टीरियागुली के बाड़िए हजम शक्ति बाड़ाय टक दईर मध्य थाका उपकारी बैक्टीरियागुली। ताई नियमित टक दई खेले आमादेर हजम प्रक्रिया खूब भालो हय एवं पेटेर जाबतीय समस्या थेके आमरा मुक्ति लाभ करते पारी। टक दईर मध्य लैक्टिक एसिड थाकार कारणे एटी कोष्ठकाठिन्य, डायरिया और कोलन कैंसारेर रोगीदेर जन्य खूबई उपकारी एकटी खाबार। ताई जारा एई सब रोगे भुगछेन तारा नियमित टक दई खेले उपकार पेते पारेन। टक दईर मध्य उपस्थित बैक्टीरियागुली आमादेर हजमे खूबई साहाय्य करे थाके। ताई एटी पाकस्थलीर ओ चालापोड़ा बा हजमे समस्या कमाते विशेषभावे साहाय्य करे आमादेर। कम फैटयुक्त टक दई रक्तेर क्षतिकर कोलेस्ट्रल एर मात्रा कमाय एवं रक्त परिष्कार करते साहाय्य करे। एई टक दईर मध्य आछे प्रचुर परिमाणेर क्यालसियाम और भिटामिन डी। तार फले नियमित आमरा जोदि टक दई खेते पारी ताहले आमादेर हाड़ और दाँतेर गठन खूब मजबूत हबे एवं आमरा बेशिरभाग हाड़ेर समस्या थेके मुक्ति पेते पारी। उच्च रक्तचापेर रोगीराओ नियमित टक दई खेले रक्तचाप नियंत्रण करते पारेन। ताई जारा उच्च रक्तचापे भुगछेन तारा प्रत्येक दिन 100 ग्राम करे टक दई खान, उपकार पाबेन। डायबेटिस, हार्टेर असुखेर रोगीराओ नियमित टक दई खेते पारेन। एई सब रोगीरा नियमित टक दई खेले हार्टेर रोग बा डायबेटिस अनेकटा नियंत्रणे चले आसबे। उज्जवल त्वकेर जन्य टक दई खूबई उपकारी एकटी खाबार। टक दई त्वकेर आर्द्रता रक्षा करे एवं शुष्क त्वक प्राकृतिक भावे सुस्थ राखे। एर मध्य लैक्टिक एसिड नामे एकटी उपादान रयेछे जा त्वक भालो राखते साहाज्य करे एवं मृत कोष दूर करे। नियमित टक दई खेले बार्धक्येर छाप पड़े ना। चुलेर जन्य जे कोनो पैक बनाले तार साथे टक दई व्यवहार करले चुलेर स्वास्थ्य बजाय थाके। एते चुल हबे सिल्की एवं चुल हबे खूबई हेल्दी। भिडियोटी भालो लागले एकटा लाइक करबेन। एरकम विभिन्न नित्य नतुन विषय भिडियो पेते चाइले चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाकुन। नमस्कार।